हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको एलवीएम के बारे में बताऊंगा और एलवीएम क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। देखते हैं एलवीएम क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है 500 GB की और उस एक हार्ड डिस्क पे आपने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है। एक पार्टीशन आपने बनाया है बूट के लिए, दूसरा रूट, बूट, स्वैप, तीन पार्टीशन आपने क्रिएट कर रखे हैं और ये तीनों पार्टीशन प्राइमरी हैं। अब आपके पास एक पार्टीशन बनाने की फैसिलिटी है, चाहे आप उसको प्राइमरी बना सक ले या फिर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड बनाएंगे तो उसके अंदर 15 मैक्सिमम लॉजिकल पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं रेड हैट के केस में। बियॉन्ड 15 आप एक भी पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप 15 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, आप फिजिकल डिस्क में पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। दूसरा ये भी है कि फॉल्ट टॉलरेंस, अगर आप फॉल्ट टॉलरेंस रेड ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। इन लिमिटेशंस से बचने के लिए एलवीएम का कॉन्सेप्ट आया है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, एलवीएम। सो एलवीएम कैसे, एलवीएम का कॉन्सेप्ट एक ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। एलवीएम से क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपके पास अगर इस तरीके की दो तीन जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क को आप मल्टीपल हार्ड डिस्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास 500 GB है, दूसरी हार्ड डिस्क आपके पास 500 GB है, तो इन दोनों हार्ड डिस्क को आप एक साथ ऐड करके एक सिंगल हार्ड डिस्क की तरीके आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। इस तरीके से ये आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क हो जाएगी। तो लिनक्स के केस में जब हम एलवीएम इस पे करते हैं सिस्टम पे, तो अगर आपके पास दो या तीन पार्टीशन हैं हार्ड डिस्क के या दो अलग अलग हार्ड डिस्क भी हैं तो उनको आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और जोड़ के आप एक पार्टीशन बना सकते हैं। इस पार्टीशन को बनाने के बाद ऊपर के जो आप पार्टीशन देख रहे हैं इनको आप एलवीएम के केस में फिजिकल वॉल्यूम कहेंगे और इसको जो फिजिकल वॉल्यूम होगा वो डिनोट करेंगे आप रेड कलर से, इसको शो करता है ये। देन जैसे आप ये फिजिकल पार्टीशंस जो होंगे फिजिकल वॉल्यूम, इन फिजिकल वॉल्यूम्स को जोड़ने के बाद जो नया वॉल्यूम आप बनाते हैं इसे एलवीएम के केस में आप वॉल्यूम ग्रुप कहेंगे। वॉल्यूम ग्रुप, और ये वॉल्यूम ग्रुप का जो कलर होता है दैट इज ब्लू, ब्लू शो करते हैं। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक वॉल्यूम ग्रुप आपका है, ये दैट इज वॉल्यूम ग्रुप VG। VG का साइज जो हो गया है वो 1 TB का हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो VG आपके पास है 1 TB का है, इस VG में से आप जितना मर्जी, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि
जिसमें आप 10 GB का एक पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो ये 10 GB का एक पार्टीशन आप बना सकते हैं, और इस पार्टीशन को क्या बोलेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम। और ये जो लॉजिकल वॉल्यूम है ये एक्चुअली इसी से निकला हुआ एक पार्टीशन है, इसी का एक छोटा सा पोर्शन है एलवीएम का, ये 10 GB है। तो ये पूरा पोर्शन आप 10 GB का आपने किससे ले लिया है, इस वॉल्यूम ग्रुप से ले लिया है। तो इसका साइज जो हो गया है वो, इसका साइज आपका 10 GB का है। अब एलवीएम से फायदा क्या है कि एक तो बेनिफिट ये मिला कि आपने दो हार्ड डिस्क को जोड़ के एक वॉल्यूम ग्रुप बना लिया, और उस वॉल्यूम ग्रुप से आप जितना मर्जी उतना डेटा आप जितना मर्जी उतना पार्टीशन आप बना सकते हैं। और लॉजिकल पार्टीशन जो लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाएंगे उसकी लिमिट नहीं होगी, आप अनलिमिटेड लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या है कि इसका जो 10 GB का आपने बनाया है पार्टीशन, आप इसको चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं इसके अंदर इसका साइज 10 GB की बजाय आप इसका साइज 20 GB करना चाहते हैं, तो आप इसका साइज 20 GB कर सकते हैं। और 20 GB करने के लिए जो 20 GB आपका साइज होगा वो, ये 20 GB साइज इसी 1 TB के वॉल्यूम ग्रुप से आप लेंगे, ये आपका और बढ़ जाएगा साइज, इसी से आप ले सकते हैं। उस केस में इसके अंदर से जो डेटा होगा पार्टीशन को, आपको विदाउट डिलीट किए हुए आप पार्टीशन का साइज एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी यू कैन एक्सटेंड एक्सटेंड एंड रिड्यूस पार्टीशन। एलवीएम के बेनिफिट्स हैं, और क्या बेनिफिट है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस ये फैसिलिटी आपको एलवीएम से मिल जाती है, यानी फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि यू कैन क्रिएट मिरर्ड वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, यू कैन क्रिएट मिरर्ड वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम एंड स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, और आप रेड 5 या 6 भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है इसका, ये फायदा है इसका कि आप ये चीजें कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस में मिररिंग कर सकते हैं, रेड 5 अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि इसका साइज, जब इसका साइज आप घटाना चाहते हैं तो आप 10 GB से इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टीशन मैनेज करने की, ये सिर्फ और सिर्फ एलवीएम में ही है। जैसे विंडोज़ में तो बाय डिफ़ॉल्ट आप होता है, एक्सटेंड कर सकते हो पार्टीशन को, विंडोज 7 में श्रिंक कर सकते हो, इसमें भी आप इसी तरीके की फैसिलिटी ले सकते हो, और साथ साथ में इसको रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस सेशन में आपने इस पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन में जाना कि कैसे काम करता है एलवीएम। तो एलवीएम अब करके देखते हैं, ये हमारा लिनक्स सिस्टम है, इस पे एप्लीकेशन पे गए, यहां पर आपको मिलेगा डिस्क यूटिलिटी, यहां से आपने ये फ्री, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टीशन को ही हार्ड डिस्क की तरीके आप ट्रीट कर सकते हो, अगर अलग अलग हार्ड डिस्क हैं तब भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फ्री स्पेस है 47 GB का, मैं यहाँ से दो पार्टीशन, एक 20 GB का पार्टीशन एक बनाया, और दूसरा पार्टीशन भी मैं 20 GB का बना लेता हूँ। तो ये दो पार्टीशन हो गए, कौन कौन सा, /dev/sda5, दूसरा /dev/sda6, यानी दो पार्टीशन हमारे पास हैं। तो दोनों पार्टीशन को मैं दो दो अलग अलग हार्ड डिस्क ट्रीट कर रहा हूँ,
यहाँ से सिस्टम पे गए, ये एलवीएम है। अगर ये एलवीएम आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इसका आप आरपीएम इंस्टॉल कर सकते हैं। डीवीडी के अंदर होता है सिस्टम एलवीएम, सिस्टम कॉन्फ़िग एलवीएम के नाम से। उस आरपीएम को आप आरएचएल के डीवीडी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये पैकेज यहाँ पर मिल जाएगा। एलवीएम पे यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका जीनोम यूटिलिटी है एलवीएम का। कमांड लाइन से भी आगे सीखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो दोनों जो आपने फिजिकल पार्टीशन बनाए हैं स्लैश डेव स्लैश एस डी ए 5 स्लैश डेव सेव स्लैश एस डी ए 6, उन दोनों पार्टीशन को यहाँ पर एलवीएम में रिकॉग्नाइज कराना होगा। यानी एलवीएम को पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी हार्ड डिस्क या पार्टीशन है। स्लैश डेव स्लैश एस डी ए 5 इनिशिएट किया, यस करते हैं। देन दूसरा आपका पार्टीशन आपने जो बनाया था, हमने वो स्लैश डेव स्लैश एस डी ए 6 बनाया था, उसको भी इनिशिएट करते हैं। एलवीएम में अब दो पार्टीशन रिकॉग्नाइज कर लिया एलवीएम ने, एक है पार्टीशन नंबर 5, ये पार्टीशन नंबर 6। ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरीके ट्रीट कर रहा है, जैसे दो अलग अलग हार्ड डिस्क हो। तो यहाँ से अभी ये आपका फिजिकल वॉल्यूम रेड कलर में शो कर दिया है। फिजिकल वॉल्यूम का साइज ये देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री स्पेस है और दूसरे का भी उतना ही फ्री स्पेस है। तो पहले फिजिकल पार्टीशन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक नया वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप का नाम मैंने दे दिया आइडियाज वीजी, आइडियाज वॉल्यूम ग्रुप। ओके करते हैं। ये आप लॉजिकल व्यू दे सकते हैं, फिजिकल व्यू पे जाएंगे यहाँ तो ये देखिए, ये आपका एस डी ए 5 पार्टीशन है, फिजिकल डिस्क है। इसी फिजिकल डिस्क से एक एलवीएम सॉरी लॉजिकल जो वॉल्यूम ग्रुप है, वॉल्यूम ग्रुप ये क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा हमारा पार्टीशन है अनलोकेटेड वॉल्यूम्स में जाएंगे 6, ये दोनों अलग अलग हैं। और जो एलवीएम जो वॉल्यूम ग्रुप बना है वो तो पार्टीशन नंबर 5 से ही बना हुआ है, इसका वॉल्यूम ग्रुप है, ये 6 का कोई वॉल्यूम ग्रुप नहीं है। आप लॉजिकल व्यू अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे 18.83 GB है। तो ये जो पार्टीशन 6 है, आप चाहते हो कि जो आपने ये अनिल वीजी से आइडियाज वीजी नाम से जो वॉल्यूम ग्रुप बनाया है, इसमें इस पार्टीशन को आप ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड टू एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ग्रुप, यहाँ क्लिक करेंगे, आइडियाज वीजी सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे ही करके आप नंबर ऑफ हार्ड डिस्क जितना हो उतना ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शो कर दिया है एस डी ए 5 एस डी ए 6, ये दो हार्ड डिस्क अलग अलग हार्ड डिस्क हैं या दो अलग अलग पार्टीशन हैं। हार्ड डिस्क और पार्टीशन दोनों के केस में वही फंक्शन होगा, दोनों को ऐसे ही आप कॉन्फिगर करेंगे। तो पार्टीशन नंबर 5 पार्टीशन नंबर 6 दोनों मिलके एक वॉल्यूम ग्रुप बना रहे हैं, वॉल्यूम ग्रुप आइडियाज वीजी। अब इस वॉल्यूम ग्रुप का साइज आप देख सकते हैं 37.46 GB है, यानी कि कुछ स्पेस ये कंज्यूम कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये हो गया। अब आपको इस लॉजिकल व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस लॉजिकल यानी वॉल्यूम ग्रुप से लॉजिकल वॉल्यूम्स बना सकते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनिल एलवी देते हैं नाम, अनिल लॉजिकल वॉल्यूम। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये लीनियर मिरर्ड स्ट्रिप्ड, मिरर्ड के केस में आप देयर मस्ट बी फ्री स्पेस एटलीस्ट 3 फिजिकल वॉल्यूम्स टू इनेबल। रेड 5 करना हो या रेड 6 करना हो या मिररिंग करना हो, 3 हार्ड डिस्क यानी 3 पार्टीशन या 3 हार्ड डिस्क आपको चाहिए। यहाँ पर मैं लीनियर करता हूँ, लीनियर पे 1 by 1 हार्ड डिस्क फिल होगी या पार्टीशन फिल होगा। और यहाँ से साइज आप दे सकते हैं, यहाँ से मैं पहले पार्टीशन का साइज 5 GB दे रहा हूँ, और यहाँ फाइल सिस्टम में EXT4 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये पार्टीशन रूट डायरेक्टरी के अंदर अनिल नाम के फोल्डर के अंदर माउंट हो जाएगा। माउंटिंग का मतलब तो आपको पहले बता चुका हूँ कि माउंटिंग का मतलब पार्टीशन को किसी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर माउंट करना। ओके पे क्लिक करेंगे तो अनिल नेम का कोई भी फोल्डर रूट डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कह रहा है आप क्रिएट करना चाहते हो, तो यस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, सो दैट कि ये पार्टीशन ये वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम वहाँ पर माउंट हो जाए। यस करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये इस पूरे वॉल्यूम ग्रुप से
इतना पोर्शन लॉजिकल वॉल्यूम बनाने में कंज्यूम हो चुका है जिसका साइज 5 GB मैंने दिया है। इसको बंद करते हैं और कंप्यूटर ओपन करते हैं, सिस्टम फाइल सिस्टम ओपन करते हैं, यहाँ अनिल सर्च करते हैं, ये अनिल फोल्डर आ गया, डायरेक्टरी आ गई है। अनिल डायरेक्टरी पे डबल क्लिक करते हैं, ये 4.5 GB का ये पार्टीशन शो कर रहे हैं ये। अब इसके अंदर मैं एक कोई फाइल क्रिएट करता हूँ ये आइडियाज फॉर विक्ट्री के नाम से, और इसमें मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ। और इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गई। अब इस पार्टीशन का साइज मैं 5 GB से बढ़ा के 10 GB करने जा रहा हूँ। तो फिर मुझे LVM पे जाना होगा, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे LVM, देन उसके बाद अनिल LV पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट प्रॉपर्टीज, देन यहाँ से आप इस साइज को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, देन ओके करेंगे। ये देखिए दोबारा से फाइल सिस्टम पे जाते हैं और अनिल फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं और साइज देखते हैं 7 GB क्रिएट हो गया। 4.5 GB शो कर रहा था, थोड़ा कंज्यूम होता है मैनेज करने में, तो ये 7.0 GB शो कर रहा है और डेटा जो हमारा है वो लॉस नहीं हुआ। इस तरीके से आप पार्टीशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी श्रिंक कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं, और आपका जो डायरेक्टरी या फाइल्स होगी, जो डेटा होगा, वो लॉस नहीं होगा। तो LVM एक ऐसी ऐसा मतलब टूल है जिसके थ्रू आप पार्टीशन को बड़ी फ्लैक्सीबिलिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस हुए। कई बार ऐसा होता है कि पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं और पार्टीशन का साइज हमारा फिल हो जाता है, और अगर हमने स्टैंडर्ड तरीका फॉलो किया है एफ डिस्क या डिस्क यूटिलिटी के थ्रू पार्टीशन क्रिएट करके एक्सटेंडेड या प्राइमरी, तो उस केस में अगर हम पार्टीशन एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। नए सिरे से हमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम और नया फाइल सिस्टम क्रिएट करना होगा, नया पार्टीशन बनाना होगा और डेटा हमें दूसरी ड्राइव में रखना होगा, जो कि बहुत टिपिकल टास्क होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप LVM यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा फॉल्ट टॉलरेंस का होता है, जो कि आपके स्टैंडर्ड तरीके में आपको नहीं मिल पाता है। तो इस सेशन में आपने सीखा कि LVM कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और LVM का कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।